हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। माय नेम इज़ विपिन गुप्ता एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे थे मैक्सिमा मिनिमा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन मैक्सिमा मिनिमा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, पर डे के 3 या 4 न्यूमेरिकल ही करने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा न्यूमेरिकल ना हो, ताकि आप लोगों को एक एक न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो आज के क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ आप लोगों को मिल चुके होंगे, मैं भी पढ़ लेता हूँ। प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ गिवन हाइपोटेनस। अंडरलाइन करो गिवन हाइपोटेनस, इट मीन्स हाइपोटेनस कॉन्स्टेंट है। ये कल बात हो चुकी थी बच्चों, है ना। गिवन हाइपोटेनस इज मैक्सिमम। क्या चीज मैक्सिमम है? प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल का जो पेरीमीटर है वो मैक्सिमम है। तो डेरिवेटिव कहाँ करना है? पेरीमीटर की इक्वेशन में डेरिवेटिव करना है। तो आपके पास ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैंने ए बी और हाइपोटेनस के मैं सी यूज कर दिया। ए बी इजी हो गया ना, ठीक है। When the triangle is isosceles, हमें लास्ट में ये भी बता देना है कि ये ट्राइंगल isosceles है। isosceles होने की क्या कंडीशन हो सकती है? ए बी आपस में इक्वल हो जाए, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल तो ये फिक्स है और सी तो आपका बड़ा हो गई होगा हमेशा। ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो isosceles ट्राइंगल भी हो जाए, isosceles राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। एक कंडीशन गिवन होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब मैं पेरीमीटर का डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू ए कर दूं कि विद रिस्पेक्ट टू बी कर दूं, बड़ी प्रॉब्लम है। ए को एलिमिनेट कर दो, बी की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, तो बी की वैल्यू आएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट सेकंड इन फर्स्ट। तो पेरीमीटर बन जाएगा आपका ए प्लस बी, ये आपका पेरीमीटर बन जाएगा टोटल। और इसमें सी कॉन्स्टेंट है और ये पेरीमीटर की इक्वेशन प्योर ए में बन चुकी है। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डी पी ओवर डी ए, ए का वन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? प्लस के साथ 1/2 स्क्वायर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2a, और ये जीरो हो जाएगा। 2 से 2 की कटिंग हो रही है, ये माइनस का हो जाएगा। हम लोग डेरिवेटिव को 0 के बराबर लेते थे क्योंकि मुझे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने है, ये लेते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए -1 -a/c² अंडर रूट के साथ दिया। अंडर रूट माइनस माइनस कैंसिल आउट कर लिया। ये ट्राइंगल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप सब बच्चों के होंगे। फिर मुझे लिखा है यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ से आपको सी स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है 2a². सी स्क्वायर को रहने दो, नहीं तो अगर सी लिखना चाहते हो तो √2a आपको सी की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। ये आपके पास एक वैल्यू मिल चुकी है सी की, हम इसको होल्ड करते हैं और डबल डेरिवेटिव करने की कोशिश करते हैं। पहले सिंगल डेरिवेटिव की इक्वेशन को अच्छे से लिख लेते हैं। दिस इज डी पी ओवर डी ए, इक्वेशन लिखी है मेरे पास 1 माइनस, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ मुझे लिखा a ओवर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हमारे पास कंडीशंस लिखी हुई है। इसका मुझे डेरिवेटिव करना है फिर से, तो डबल डेरिवेटिव बच्चों हम लोग कर रहे हैं। a का तो 0 की तो बेकार है, माइनस लगा दिया, माइनस को बाहर रख लो, ठीक है। क्वेश्चन रूल लगेगा तो जो डिवाइड में पार्ट लिखा है उसका होल स्क्वायर कर दो, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। इस वाले पार्ट को हम लोग नॉमिनेटर में लिख देते हैं। ए का डेरिवेटिव तो हो गया 1, फिर लगा दो माइनस, ए को स्किप कर दो। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 1/2 ऑफ अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2a। मैं देख लेता हूँ ये लास्ट वाला विजिबल है कि नहीं है। गुड, यहाँ ओके ओके, ये देखो ऐसी गलती ना हो जाए, ये मल्टीप्लाइड बाई ए इस टाइप का है। देखो मैं ऐसे ऐसे कटिंग कर देता गलती हो जाती, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, बाहर तो माइनस बैठा है मजे से, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। ये ए स्क्वायर है, मैंने ए स्क्वायर,
माइनस माइनस प्लस हो गया, अब वो प्लस ए स्क्वायर हो गया, डिवाइड में ये आपस में प्रोडक्ट में जाएंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर 3/2, क्योंकि हाफ हाफ इसकी पावर, वन इसकी पावर, तो 3/2 होगी। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर उड़ा दें। अब देखो सी स्क्वायर की वैल्यू है 2a स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की वैल्यू है 2a स्क्वायर, दैट मीन्स 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिल गया, ये पॉजिटिव हो गई। ऊपर बैठा है सी स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव है प्योर, बाहर बैठा है निगेटिव। इसका मीनिंग क्या होगा कि डबल डेरिवेटिव एट सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a पर निगेटिव देगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो भी मिलेगा सारा पॉजिटिव मिलेगा, बाहर बैठे हैं भाई सब निगेटिव वाले, तो निगेटिव मिलेगी प्योर कंडीशन। ठीक है, अब अगर ये निगेटिव मिला, अब ये निगेटिव मिला तो पेरीमीटर क्या हुआ, मैक्सिमम। यहां तक कॉपी कर लो जल्दी से, इसको जल्दी से कॉपी करो। ओके, तो पेरीमीटर मिल गया मैक्सिमम, मैं इस पार्ट को यहां से निकाल देता हूं। पेरीमीटर मैक्सिमम यहां से आगे लिख रहा हूं, ठीक है, पेरीमीटर इज मैक्सिमम एट, लिख दो पूरा, एट एट सी इज इक्वल टू, सी पर है ना, स्क्वायर रूट 2a, इस पर आपका पेरीमीटर मैक्सिमम है, ये बात प्रूव हो चुकी है। अब मुझे ये भी बताना है कि वो आइसोसेलस ट्रायंगल है, तो सी की वैल्यू तो आपके पास निकल चुकी है, अब आपको बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू आप लोगों ने देखो कैलकुलेट की थी, मैंने रब कर दिया, फालतू के रब हो गया। तो मैं बी की वैल्यू अगर लिखना चाहूँ तो बी की वैल्यू जल्दी से बताओ क्या थी, बी की वैल्यू थी अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आई थिंक सो ये थी ना, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डायग की कंडीशन है। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है डायरेक्ट, तो सी स्क्वायर रख दो, सी स्क्वायर की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, कितने लिखी है 2a स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू लिखी है 2a स्क्वायर, वो लिखा है माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से आपको क्या मिलेगा ए स्क्वायर मिलेगा, अंडर रूट लगा दिया, ये मिलेगा a, तो b इज इक्वल टू a आ गया। अगर b की वैल्यू a के बराबर है तो वो ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस, राइट एंगल पहले से ही है, तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। यहाँ पर लिख देना है ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, जल्दी से कॉपी करो। ओके, इतना टाइम काफी आप लोगों के लिए, न्यूमेरिकल ये बहुत अच्छे हैं, सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, प्लीज बच्चों बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल करो। अब मैं अगला न्यूमेरिकल रीड करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 40 क्या लिखा हुआ है, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव लेंथ ए बी, ओके ए एंड बी, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। एक एंगल में ट्राइंगल बना देता हूँ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, and angle between a b theta, okay, what value of theta will maximize the area of the triangle, theta की क्या value हो जिससे इस triangle का area maximum हो जाए। तो triangle क्या है, ये complete triangle है a b और ये c मैंने लिख दिया, ठीक है, ऐसा करो इसको c कर दो, इसको a कर दो, a b c, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि एंगल जो वर्टेक्स है ए इसलिए साइड ए गिवन है, वर्टेक्स है बी इसलिए साइड गिवन है, तो मैंने इसको सी लिख दिया तो ऑब्वियस सी हो जाएगी, वो मुझे जरूरत नहीं है, खाली ऐसे लिख दी, इसका मुझे एरिया चाहिए, तो एक एट रैंडम ट्राइंगल दे दिया, तो हमारे पास एरिया निकालने का फंडा क्या हो सकता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, तो अगर मैं ए से एक परपेंडिकुलर डालना चाहूँ जिसको एल्टीट्यूड कहते हैं, और इस पॉइंट को आप चाहूँ तो एम कहते हैं, ये ट्राइंगल है छोटा सा, तो बी साइन थीटा क्या होगा, इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ए एम ओवर हाइपोटेनस ए सी, ए एम का मेरा टारगेट है, ए सी की वैल्यू बी है, तो ए एम की वैल्यू निकल के आ गई बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। अब मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल का एरिया को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको मैंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस की पोजीशन पर मैं लिख देता हूं सी बी
इनटू हाइट की पोजीशन लिख देता हूँ ए एम। तो अब आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा हाफ हाफ सीबी की पोजीशन है ए, ए एम की पोजीशन है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। उसने पहले मुझे बता दिया था कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके साइड ए और बी है, मतलब ये गिवन है, मतलब ये फिक्स है, कांस्टेंट है, और क्या है इनके बीच का एंगल है थीटा। तो मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देता हूँ, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देता हूँ। एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन, यही ना, हाँ, हैव लेंथ, लेंथ बिल्कुल कांस्टेंट है, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल मैक्सिमाइज। कैसे पता चला कि थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे आप लोग, लिखा हुआ है व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल मैक्सिमाइज द, थीटा की क्या वैल्यू हो जाए, इसका मतलब ए भी कांस्टेंट, थीटा वेरिएबल है। तो आओ जो आपके पास इक्वेशन लिखी मैं इसको बहुत अच्छे से यहां लिख देता हूं, ये लिखा हुआ, तो मैं लिखूंगा डी ए ओवर डी थीटा, क्योंकि 1/2 ए भी तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, और फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग जीरो के बराबर लिखते हैं ताकि मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाए। तो कॉस थीटा जीरो हो गया, ये दोनों जीरो हो नहीं सकते, तो थीटा हो गया 90 डिग्री, या पाई बाई टू या 90 डिग्री, मैंने 90 डिग्री लिख दिया। अगर 90 डिग्री थीटा हो तो मतलब ये मैक्सिमम हो सकता है, तो हम डबल डेरिवेटिव डाल के चेक कर लेते हैं एक बार जरा। तो डबल डेरिवेटिव क्या है मेरे पास, -1/ab sin थीटा, क्योंकि कॉस का तो नेगेटिव होता है डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हम चेक करने जा रहे हैं कहाँ पर, एक थीटा 90 डिग्री पर। तो आओ जरा चेक करें, तो 1/2 ab और sin 90, और sin 90 की बताने की जरूरत नहीं कि उसकी वैल्यू 1 होती है, तो -1/2 ab उसके मान दैट इज नेगेटिव। अगर ये डबल डेरिवेटिव थीटा की वैल्यू 90 डिग्री एंटर करने पर नेगेटिव आता है तो एरिया क्या हो गया, एरिया इज मैक्सिमम एट थीटा इज 90 डिग्री पर थीटा आपका मैक्सिमम होना चाहिए। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, और कोई पार्ट है इसमें, ओके ये भी लिखा है ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम एरिया। तो उसके लिए मैं इस स्पेस का यूज कर लेता हूँ, मैक्सिमम एरिया, एरिया लिखो नीचे मैक्स कर लो। तो उसके लिए हम लोगों ने एरिया क्या लिखा था, ये लिखा है, तो हाफ बेस ए बी लिखा है और फिर साइन थीटा लिखा है, तो साइन 90 लिख दो, और साइन 90 बताने की जरूरत है क्योंकि 1 होता है। ए बी स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, ये आपके पास मैक्सिमम एरिया हो गया, और ये हमारा न्यूमेरिकल प्रूव हो गया यहाँ तक। जल्दी से कॉपी करो इसको न्यूमेरिकल को, ठीक है कि 90 डिग्री वैल्यू आएगी, 90, जिस वजह से एरिया मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एरिया कितना होगा, वो होगा हाफ ए बी, ओके। अगला न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 15, अब मैं फिर से रीड करता हूँ, अ राइट एंगल ट्राइंगल विद कांस्टेंट एरिया गिवन, पॉइंट समझ में आ गया, एरिया गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल है, प्रूव दैट द हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल इज लीस्ट, मतलब हाइपोटेनस लीस्ट होना चाहिए, ये मुझे प्रूव करना है, व्हेन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस भी आएगा तो वो भी हम देख लेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो इन्फॉर्मेशन आपके सामने दे दी जाए, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये ए और ये बी और ये सी, वही वाली बात है, ये 90 डिग्री मैंने शो कर दिया यहाँ पर। उसने बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्स्टेंट एरिया, एरिया होता है ए और ये है कॉन्स्टेंट, वो होता है हाफ ए बी, क्योंकि बेस और हाइट के मल्टीप्लाई तो हाफ है एरिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ए कॉन्स्टेंट है, और सी की पोजिशन क्या है, सी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बी को पिक करता हूँ, तो बी की वैल्यू क्या आ रही है, बी की वैल्यू आएगी 2A/a, ये आएगी स्मॉल बी की वैल्यू, इसे जाके यहाँ एंटर कर दो, तो सी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज 4A/a। अब जो बताने जा रहा हूँ वो आज के लेक्चर का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं डेरिवेटिव करूँगा सी स्क्वायर में या मैं डेरिवेटिव करूँगा सी में, इसी बात पर डिपेंड करता है न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा या टफ हो जाएगा।
कहीं पर मुझे डेरिवेटिव सी करना हो और सी को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना हो, तो कोई ग्राफ है आपका, किसी पॉइंट अगर वो पर्टिकुलर मैक्सिमम मिनिमम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दे रहा है, तो सी स्क्वायर का ग्राफ भी उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम ही देगा। आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि आपके पास कोई ग्राफ है, ठीक है, अगर मैं ये एक पर्टिकुलर वाई है, तो वाई का अगर स्क्वायर कर दूंगी ये वैल्यू बड़ी होकर ऊपर पहुंच जाएगी, लेकिन जो ऊपर है मैक्सिमम वाली अभी दे रही है तो उस टाइम भी मैक्सिमम देगी, जो यहाँ मिनिमम दे रही है वो इस टाइम भी मैक्सिमम देगी स्क्वायर करने के बाद। तो आपको ये आइडिया समझ में आ चुका है ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और नहीं समझ में आया जिनको वो रट लें कि सी स्क्वायर को मैं ऐसे लिखूंगा फंक्शन इन ए, जैसे ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, मैं सी स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं करूंगा क्योंकि सी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2c इंटू डी सी ओवर डी ए, तो 2c का मैं क्या करूंगा फिर बाद में डिवाइड करूंगा बढ़ा पंगे हैं। तो हमें क्या करना है, सी स्क्वायर को एक फंक्शन क्रिएट कर दो विद ए, अब मैं डेरिवेटिव करूंगा एफ डैश ए, इजी हो गया क्योंकि जो सी स्क्वायर मैक्सिमम मिनिमा देगा वही एफ ऑफ ए मैक्सिमम मिनिमा देगा उसी पॉइंट पर, यह आएगा 2a, ये माइनस हो जाएगा माइनस एट हो जाएगा ए स्क्वायर और ये आ जाएगा पावर थ्री, पावर थ्री। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के बराबर होता है, लिख लेते हैं देखियो यहां से मुझे ए कैलकुलेट करना है तो माइनस टू ए माइनस टू ए माइनस एट ए स्क्वायर ओवर ए क्यूब, माइनस से माइनस उड़ा दो टू से फोर आ जाएगा तो ए की पावर फोर हो जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी फोर ए स्क्वायर, देख लेता हूँ लास्ट में है भी, देखिए मेरा ओ माय गॉड मैं दिखा देता हूँ क्या लिखा हूँ, ए की पावर फोर लिखा था मैंने और फोर ए स्क्वायर लिखा था, क्या मैं इसको ए स्क्वायर और टू ए नहीं लिख सकता हूँ, दिमाग लगाओ क्योंकि फोर को मैं क्या लिख सकता हूँ टू और ए और उसको होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर फोर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर कटिंग हो जाएगा तो सिंगल आ जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू टू ए के बराबर आ गई। अब आपको ए चाहिए तो ए आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या लिखोगे स्क्वायर रूट टू ए लिखोगे, ठीक है दोनों आगे दोनों यूज करेंगे। अब हम लोग डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, पहले सिंगल डेरिवेटिव को लिख लेते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, और ये सिंगल डेरिवेटिव में मेरे पास टू ए माइनस एट ए स्क्वायर ओवर ए क्यूब ये लिखा है सिंगल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव कर लो, इसका डबल डेरिवेटिव आएगा टू, ये नेगेटिव वाली पावर उसको पॉजिटिव बना देगी, है ना आठ के चौबीस ट्वेंटी फोर हो जाएगा, ए स्क्वायर तो रहेगा वो तो कांस्टेंट, एक पावर और आ जाएगी एडिशनल पावर हो जाएगी फोर। अब आप देखो कि ए स्क्वायर की वैल्यू है टू ए, ए स्क्वायर की वैल्यू अगर हम टू ए लगाएंगे तो सब तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो टाइम क्यों वेस्ट करना, कुछ नहीं करना हमें, डबल डेरिवेटिव ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू ए ऐसा लिख दो, फिर इस पर ये वैल्यू पॉजिटिव मिल गई, करने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करना, दिख रहा है डायरेक्ट लिख दो, एग्जाम में भी ऐसे ही कर दो, चाहो तो रफ वर्क करके दिखा दो साइड में, ये वैल्यू होगी पॉजिटिव। अगर ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो एफ ऑफ ए क्या होगा मिनिमम, हेंस एफ ऑफ ए इज मिनिमम, समझ में आ गया, अगर एफ ऑफ ए मिनिमम है सो इसलिए सी स्क्वायर इज मिनिमम, और सी स्क्वायर मिनिमम है इसलिए सी इज मिनिमम, सो सी इज मिनिमम मिनिमम सी इज मिनिमम। आपको ये मिनिमम प्रूव करना था, आप देख लो पेरीमीटर आपका सॉरी हाइपोटेनस इज लीस्ट, ये हाइपोटेनस मिनिमम ऐसा कुछ लिखा होगा, मैं रीड कर देता हूँ, प्रूव दैट द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज लीस्ट व्हेन अ ट्राइंगल इज, ये पहला पार्ट आपका प्रूव हो चुका है। अब उसने ये भी बोला है कि ट्राइंगल जो है मेरा वो आइसोसेलेस से ये भी प्रूव कर दो, तो ए की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट टू ए, तो मुझे तो बी चाहिए, तो बी के लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा, तो b के लिए हम अगर यहाँ आएंगे तो ये लिखा 2a ओवर स्मॉल a, स्मॉल a की वैल्यू हमारे पास ये लिखी है, और आप इसको अगर ध्यान से देखो तो कटिंग होके यही तो मिलेगा,
तो ये दोनों बराबर आ गए, हेंस ए इज इक्वल टू बी, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, लिख देना अपना, न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों, स्टेप स्टेप चलते रहो, बहुत स्लो कर रहा हूँ ताकि कोई बच्चा बहुत जल्दी ऐसा ना हो जाए कि बाउंस हो जाए, सर ने पहले क्या पढ़ा दिया अब क्या है। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, थोड़ा थोड़ा खाएं पर डेली खाएं और अच्छा खाएं। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, जमकर पढ़ाई करो बच्चों।